मशहूर गोल्डी मसाला ग्रुप ने एक प्रेरणा शिक्षा के कार्यक्रम की शुरुआत की है। कानपुर में गोल्डी मसाला के कॉर्पोरेट ऑफिस में कंपनी के निदेशक सुदीप गोयंका का 40 वर्ष पूर्ण होने पर जन्मदिन मनाया गया और उस मौके पर शहर के 40 होनहार छात्रों को शिक्षित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हुई। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के बाद गणेश वंदना की गई। इस मौके पर सुधीर गोयंका ने संकल्प लिया कि 40 ऐसे होनहार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी जो कि धन के अभाव के कारण उच्च शिक्षा लेने में वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। देश को विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अन्य संस्थानों को भी आगे आकर अभाव में रह रहे होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ये लोग देश के विकास में योगदान कर सके। और वहीं मौके पर मौजूद 40 होनहार छात्र कभी जो कि अपनी पढ़ाई किया करते थे वो भी खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। आज हमारे 40वें जन्मदिन पर मैंने संकल्प लिया है कानपुर नगर के 40 मेधावी राजकीय छात्र छात्राओं को उनका एजुकेशन स्पॉन्सर करते हुए उनको भारत में उच्चतम स्थान पर और भारत को बदलने की क्षमता रखने वाले बच्चों को सहयोग देने की संकल्प किया। मुझे बड़ा गर्व है और धन्यवाद है हमारे आदरणीय जिलाधिकारी माननीय विशाख अय्यर जी का, आरएसएस प्रांत प्रचारक हमारे आदरणीय श्री राम जी कि आज आपने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया। आज गोल्डी समूह द्वारा गोल्डी समूह के संचालन कर रहे आदरणीय सुदीप गोयनका जी के 40वें जन्मदिन के अवसर पर एक इन्होंने कानपुर के नौजवानों के लिए नई पहल शुरू की कि जहां पर संपन्नता के आधार पर आज के नौजवान अपने जन्मदिन को कहीं कहीं विलासिता के रूप में मनाते हैं, वहीं पर सुदीप जी ने आज अपने जन्मदिन को समाज के उन बच्चों की जो कहीं न कहीं आज अर्थ के अभाव में पिछले न रह जाएं, इसलिए इन्होंने समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना करके आज का जन्मदिन केवल अपने परिवार नहीं मित्रों के नहीं तो समाज के उन बच्चों के को अपने खुशियों में सम्मिलित इन्होंने किया है। आज उसी खुशी में सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं।